दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन चाइना की कुछ ऐसी शर्मनाक हरकत है जो कि चाइना के बारे में जाने जाते हैं। इस वीडियो का मकसद चाइना की बुराई करना नहीं है, बल्कि आपको चाइना की वो शर्मनाक काम बताना है जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप वो पूरी बातें जान सकोगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल। वैसे तो चाइना के बारे में हम जानते हैं कि चाइना पिछले कुछ सालों में अमेरिका से भी ज्यादा कर चुका है, लेकिन उसकी वजह क्या है? हम ये जानते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, लेकिन चलते नहीं, क्योंकि चाइना की चीजों में ये बात मशहूर है कि चल जाए तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। बहुत कम लोग जानते हैं कि चाइना दो नंबर चीजें बनाने में सबसे आगे। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि चाइना के जो खिलौने आप अपने बच्चों को खरीद के देते वो यूज्ड कॉन्डम से भी बने हो सकते हैं। चाइना हर चीज को इस्तेमाल करता है जो खराब हो चुकी होती है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना में नकली गोश्त और नकली चावल भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, चाइना के बारे में कहावत मशहूर है कि चाइना में मेज और कुर्सी को छोड़कर बाकी हर चार पैरों वाली चीजों को खा लिया जाता है। यहाँ तक कि चाइना में कम उम्र वाले बच्चे के पेशाब में अंडों को उबालकर खाया जाता है। इसके लिए स्कूल से बच्चों का पेशाब इकट्ठा किया जाता है। दरअसल चाइना में ये रिवाज हजारों साल पुरानी है। उनका ये मानना है कि इन अंडों को खाने से कमर और जोड़ों में दर्द नहीं होता और इंसान का जिस्म चुस्त और फुर्तीला रहता है। इसके अलावा चाइना में कॉकरोच, कुत्ते, मगरमच्छ, चूहे खा लिए जाते हैं। चाइना में यूनिन नाम के शहर में हर साल 21 जून से 30 जून तक डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ इस फेस्टिवल के लिए 25 से 30 हजार कुत्तों को मारकर खा लिया जाता है। इसके अलावा आपको बताते चले, चाइना में हर साल 40 लाख बिल्लियां और 2 से 3 करोड़ कुत्ते मजेदार खाने के नाम पर खा लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर चाइना में कोई अमीर इंसान जुर्म कर लेता है तो अपने जुर्म के बदले किसी और को जुर्म दिलवा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक चाइना में हर साल 6 लाख लोग ज्यादा काम करने की वजह से कई लोग अपनी जान खो देते हैं। चाइना में खुदकुशियों का आयोजन इतना ज्यादा है कि आपको नाले में से डेड बॉडी निकालने का काम आसानी से मिल सकता है। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी का नियम लागू है। इस नियम के अनुसार चाइना में किसी भी शादीशुदा जोड़ा को एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं होती। इस कानून पर अमल करते हुए चाइना को हर साल 10 लाख से ज्यादा पैदा होने वाली बच्चियों को या तो पैदा होने के बाद मार देते या फिर पैदा होने से पहले ही मार देते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो बेटा पैदा करेंगे तो वो उनके काम में हाथ बटाएंगे, न कि बेटी। यही वजह है कि चाइना में लड़कियों की तादाद बहुत कम है, और इस वजह से चाइना में 2 करोड़ करीब तादाद ऐसे नौजवानों की है जिन्हें लड़कियां पूछती तक नहीं। 2009 से चाइना में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पूरी तरीके से बैन है। 2010 में चाइना के शहर संघाई में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, और ये सिलसिला 12 दिन तक जारी था। इस ट्रैफिक जाम को दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम भी कहा जाता है। चाइना में हर 10 सेकंड के बाद एक ऐसे बच्चे पैदा होते जो अबनॉर्मल होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है पोल्यूशन। आपने फोटोज और वीडियोस में चीनी आदमियों को हमेशा मास्क पहनते हुए देखा होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है पोल्यूशन। यही वजह है कि चाइना के एक शहर बीजिंग में एक दिन सांस लेने से इंसानी सेहत पर इतना नुकसान होता है कि जितना एक पैकेट सिगरेट पी लेने से होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सेक्स टॉयज बनाने में चाइना दुनिया में सबसे आगे है। चाइना में एक ऐसी भी यूनिवर्सिटी मौजूद है जो औरतों ब्रा की स्टडी की भी डिग्री देती है। चाइना में नकली चावल भी बनाए जाते हैं। चाइना में बनाने वाले इन नकली चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है। ये चावल सेल्टिक राइजन, आलू और शकरकंदी को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये चावल पकाने के बाद भी मुलायम नहीं हो पाते। ये चावल खाने के बाद बहुत सारे लोग बीमार भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये चावल खुले आम बेचे जाते हैं। और अगर आपने 3 किलो प्लास्टिक राइस खा लिया तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने 1 किलो प्लास्टिक खा लिया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि चावल कैसे हमारी सेहत के लिए अच्छे हो सकते हैं। चाइना में शहद भी नकली बनाकर बेचे जाते हैं, और ये नकली शहद सिर्फ 100 रुपए में ही 1 किलो बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर इसको असल शहद के रेट में बेचा जाता है। उम्मीद है आपको हमारा जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई जानकारी है तो हमें बताएं, हम उस पर रिसर्च करके वीडियो जरूर लाएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।